फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय हीरोज हेल्थ। मैं प्रवीण ग्रेवाल आज आपके सामने लेके आया हूँ कुछ घरेलू उपाय जिनकी हेल्प से हम कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में। और इन उपायों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जगदीश ग्रेवाल। तो आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में। कोरोना वायरस के लिए हम कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं आपको, जो बेहद ही कारगर सिद्ध हुए हैं। जैसे कि नीम किलो का काढ़ा लेना, इसके लिए आप 1.5 कप पानी का लें, उसके अंदर 2 इंच का टुकड़ा नीम किलो का डंडी का डालें और उसको अच्छी तरह कोट करके और उसको खूब उबालें। जब आधा कप शेष बच जाए तो उसको छान करके धीरे धीरे गुनगुना पिएं और पीने के बाद में रात को सो जाएं और 1 घंटे तक पानी न पिएं। इसके अलावा आप गले, छाती और पीठ की सरसों के तेल की मालिश करवाएं और हल्का भाप का सेक लगवाएं। खांसी और जुखाम से बच करके रहें। किसी भी धूल मिट्टी या कण वाली जगह पर न जाएं, ठंडे पदार्थों से दूर रहें और जहाँ तक हो सके एक दूसरे किसी भी आदमी के संपर्क में न आए। कम से कम 1 मीटर से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। सुबह के टाइम में आप योग का करें 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद में आप प्राणायाम करें, जैसे लोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति, इसको 10-15 मिनट तक करें आराम से, और श्वास पर श्वास प्रक्रिया का ध्यान दें और ध्यान लगाएं। ओम का उच्चारण करें। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, 1 लौंग, इनका भी काढ़ा बना करके आप लें तो भी आपको बहुत फायदा होगा, खांसी जुखाम न होने दें। थैंक यू डॉक्टर जगदीश ग्रेवाल हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। And don't forget to like, share and subscribe.